पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI जो कि एक मुस्लिम संगठन है उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार जल्द ही इस संगठन पर बैन लगाने जा रही है। दरअसल ये पूरा मुद्दा आज RSS के एक कार्यकर्ता श्रीनिवासन की मौत के बाद गर्मा गया। श्रीनिवासन को उनकी दुकान में जाकर मारा गया और उनके शरीर पर तलवारों से 20 बार वार किए गए। पूरे मामले में BJP ने आरोप लगाया है कि ये काम PFI का है। दरअसल PFI पर ये पहली बार आरोप नहीं लगे हैं। 2003 की अगर बात की जाए तो 2003 में 8 हिंदू लोगों की जान लेने का आरोप PFI पर लगा था। 2010 में PFI के लिंक अलकायदा से पाए गए थे। 2018 में तुर्किश आतंकी संगठन के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी PFI की। साथ ही साथ ऐसे बहुत से PFI के लड़के हैं जो कि ISI में भर्ती हो चुके हैं। 2012 के असम दंगों में PFI का हाथ था। साथ ही साथ 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनमें PFI का पूरा हाथ था। 2011 में तेजे जोसेफ के नाम से एक शख्स की हाथ काट दिया गया था ये कहकर कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद की बेअदबी की है। और आज जब RSS कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या हुई है तो इस पर भी सवाल उठे हैं PFI पर, और इस पर जल्द कार्रवाई करते हुए भारत सरकार PFI को बैन करने जा रही है। जानकारी देते चले, PFI भारत में संघ पर और BJP पर निशाना साधते हुए अक्सर भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम करती है और उसके बाद दंगे भड़कते हैं और कई लोगों की जान जाती है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जल्द ही PFI को पूरे देश में बैन कर दिया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।